सेशन में आपका स्वागत है। सो आज की इवनिंग सेशन कई बातों के ऊपर रहने वाला है, जिसमें पहला टॉपिक है ट्रेन की टिकटों को लेकर क्या खबर आ रही है। इसके अलावा इसमें हम लोग बात करेंगे यूएई दुबई से, वहां पर रह रहे लोगों से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ लास्ट टॉपिक रहेगा भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी बातें सही से समझ में आ जाए। पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेन की टिकटों को लेकर। जो लेबर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाना चाहते थे, उनके ट्रेन की टिकटों को लेकर कांग्रेस ने ये बोला कि ट्रेन की टिकटें फ्री होनी चाहिए। तो उसके जवाब में बीजेपी के हवाले से ये खबर आई कि ट्रेन की टिकटों के ऊपर 85% की छूट दी जा रही है, जो कि रेलवे की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा 15% जो किराया रहेगा वो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। यानी कि जो लेबर्स अपने घर जा रहे हैं उनका टिकट फ्री हो सकता है, यदि राज्य सरकारें उस टिकट का कॉस्ट पैसेंजर से चार्ज नहीं कर रही हैं। तो यदि पैसेंजर से चार्ज करेगी तब भी इस केस में उस टिकट का कॉस्ट 15% से ज़्यादा नहीं होने वाला। अगली खबर लेते हैं यूएई दुबई से। यूएई दुबई में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार के द्वारा बुलाने में देरी की जा रही है। दूसरा, वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर यूएई दुबई में कानून और कड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक के ऊपर किसी एक धर्म को लेकर टिप्पणी करी थी, इसलिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक अन्य खबर में ये बात सामने आ रही है कि अभी तक 2,00,000 लोगों ने यूएई दुबई से भारत आने के लिए अपनी एप्लीकेशन दायर कर दी है कि वह लोग भारत आना चाहते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं एयरलाइंस कंपनियों को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि इस महामारी बीमारी से एयरलाइंस कंपनियां संकट में आ गई हैं, और आने वाले समय में बहुत कम लोग ही एयरलाइन से ट्रैवल करना पसंद करेंगे। ऐसे में जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने जब अपने शेयर यूएस की कंपनियों से बेच दिया, तो इसका असर भारतीय एयरलाइन कंपनियों पर भी देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें इंडिगो स्पाइसजेट के शेयर 5% से लेकर 7% की गिरावट पर बंद हुए। और आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनियों से ये खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद से उनकी टिकटों की बिक्री शुरू हो सकती है, और जून के पहले सप्ताह से फ्लाइट उड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो ये सारी थी आज के दिन भर की अपडेट्स। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या आपके कुछ अलग से सवाल हैं, या फिर आप कुछ और बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का आंसर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।